हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बेटा। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कार्यपत्रक 6। ठीक है, 6 नंबर का कार्यपत्रक है ये, आपका वर्कशीट है और कक्षा 6 के लिए विषय विज्ञान है और तिथि क्या है आपकी, ये है 14 अक्टूबर 2020 के लिए ये वर्कशीट करनी है। इस डेट में दो वर्कशीट करनी है, एक इंग्लिश की वर्कशीट करनी है, एक साइंस की यानी विज्ञान की वर्कशीट करनी है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं, हमारा चैप्टर कंटिन्यू है भोजन के घटक। सभी बच्चे जानते हैं भोजन के घटक के जो है कौन से हमने पढ़ लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, जो है वसा के बारे में पढ़ा हमने, और किसके बारे में पढ़ा हमने, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, विटामिन खनिज लवण इनके बारे में पढ़ेंगे। विटामिन्स क्या होते हैं, यद्यपि ये बहुत कम मात्रा में आवश्यक हैं और जो विटामिन है वो क्या है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। कई प्रकार के विटामिन जैसे ए बी सी डी ई एंड के। तो बेटा ये आप नाम याद कीजिए, ए बी सी डी ई एंड के। ठीक है, एक बार आप फ्लो में बोलेंगे तो याद हो जाएंगे, ए बी सी डी ई एंड के। तो ये विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, अलग अलग खाद्य पदार्थों में ये विटामिन पाए जाते हैं। और ये विटामिन जो है हमारे शरीर के कामकाज के लिए क्या करते हैं, एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। ठीक है बेटा, एक विशिष्ट भूमिका ये हमारे शरीर के लिए निभाते हैं। आप देखिए विटामिन ए है, विटामिन ए हमें किस किस से मिलेगा, हमें गाजर में मिलता है, आम खाते हैं तो हमें विटामिन ए मिलता है, जिगर, ठीक है, कॉड लीवर ऑयल, तो ये यहाँ से हमें क्या मिलेगा, विटामिन मिलेगा। कार्य क्या क्या है विटामिन ए के, हमारे आँखों को स्वस्थ रखता है, बालों एवं त्वचा के लिए ये बहुत ही अच्छा है, तो ये इसके कार्य होंगे। अब देखिए, अब हम विटामिन बी के बारे में देखते हैं। विटामिन बी यानी कहाँ से मिलेगा, यीस्ट से, मांस मछली दूध हरी सब्जियाँ, इनसे हमें विटामिन बी मिलेगा। और कार्य क्या करता है विटामिन बी, हमारी मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के लिए अच्छा है, वृद्धि करता है। ठीक है, वृद्धि के लिए विटामिन बी आवश्यक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, विटामिन सी। विटामिन सी के स्रोत क्या होंगे, खट्टी चीज़ें, जो खट्टी चीज़ें हैं उनमें विटामिन सी जो है वो मिलता है। और विटामिन सी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको मजबूत बनाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम विटामिन सी खाते हैं तो हम बीमारियों से भी बचे रहते हैं। तो देखिए नींबू नारंगी आंवला अमरूद टमाटर, जितनी खट्टी चीज़ें हैं उनमें विटामिन सी मिलता है। कार्य क्या है विटामिन सी का, दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता वो ज़्यादा होती है। दांत और मसूड़े जो इनमें जो ब्लड आता है वो भी विटामिन सी के कारण ही आता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन डी किससे मिलेगा, दूध में विटामिन डी होता है, मक्खन कॉड लीवर ऑयल जो है, धूप के संपर्क में आने से भी विटामिन डी मिलता है। ठीक, तो विटामिन डी जो है हम अगर जो धूप लेते हैं उससे हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे खनिज लवण क्या होते हैं। तो खनिज लवण हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, ये जो है शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। ये पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दोनों में ही प्राप्त, दोनों से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। पौधे मिट्टी से क्या लेते हैं, खनिज जो है वो अवशोषित करते हैं, मिट्टी में अलग अलग तरह के खनिज पदार्थ जो है होते हैं वहाँ से पौधे लेते हैं और फिर हम पौधों को खाते हैं। तो पशु जो है वो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इसीलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी क्या होते हैं, खनिज होते हैं। अब देखिए खनिज जो है जैसे कैल्शियम, अब कैल्शियम अगर खनिज है तो उसके क्या क्या स्रोत होंगे हमारे लिए, कहाँ कहाँ से हमें कैल्शियम मिलेगा, हमें कैल्शियम दूध और हरी सब्जियों से मिलेगा। और कार्य क्या है कैल्शियम के, हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए, हड्डियाँ मजबूत होती हैं कैल्शियम से। और बच्चों अगर हमें चोट लग जाए तो जो रक्त है वो बहता है ना, तो वो भी कैल्शियम के कारण ही वो जो है क्या हो जाता है, थोड़ी देर बाद जम जाता है, थक्का जम जाता है। वो भी किस लिए, क्योंकि कैल्शियम शरीर में होता है और कैल्शियम वो जो है खून को जमाने में सहायता करता है, थक्का जमाने में सहायता करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट खनिज कौन सा है, फास्फोरस।
फास्फोरस किससे मिलेगा? मांस, मछली, अंडे से क्या मिलेगा? फास्फोरस मिलेगा। कार्य क्या रहेंगे? हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए। हड्डियां और दांते जो है, इससे दांत मजबूत होते हैं। नेक्स्ट देखिए, आयरन। आयरन यानी जो हमें कहाँ से मिलेगा आयरन? लीवर, मांस, हरी सब्जियां, तो इनसे जो है हमें क्या मिलेगा बच्चों? आयरन मिलेगा। और कार्य क्या है? शरीर में रक्त निर्माण के लिए। शरीर में रक्त निर्माण में ये है हमारे लिए बहुत ही सहायक है। नेक्स्ट देखिए, आयोडीन। आयोडीन जो है, आयोडीन हमें कहाँ से मिलेगा? समुद्री खाद्य पदार्थ, समुद्र का जो जो खाना होता है वहां से हमें आयोडीन मिलता है। समुद्री खाद्य पदार्थ, आयोडीन युक्त नमक, आपने सुना है ना, आयोडीन युक्त नमक खाइए, थोड़ा खाइए लेकिन अच्छा खाइए। तो वो नमक जो है उसमें इसलिए बोला जाता है कि उसमें आयोडीन होता है, जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बच्चों आवश्यक है। ठीक है, आयरन से हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होता है। अब आयरन वो मोस्टली हरी सब्जियों में मिलता है। और बच्चों हम जो यहाँ पर बार बार पढ़ रहे हैं कॉड लीवर ऑयल, ऊपर भी हमने पढ़ा, तो ये कॉड लीवर ऑयल क्या होता है? कॉड जो है ये एक मछली का नाम है, जिसके लीवर से यानी जिगर जो होता है उससे ये तेल जो है निकाला जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसको बोला जाता है कॉड लीवर ऑयल। अब देखिए, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्या है? हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए एक विटामिन का नाम बताइए। तो बच्चों हड्डियों और दांतों को मजबूत जो है वो कौन सा विटामिन बनाता है? आपने अभी अभी यहाँ पर पढ़ा कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियाँ और दांत मजबूत हो जाते हैं। किसके कारण? विटामिन डी के कारण। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे? विटामिन डी। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे विटामिन डी, ये फर्स्ट का आंसर रहेगा बेटा, विटामिन डी। आप देखिए, विटामिन सी हमारे डैश और डैश को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता जो है मदद करता है। तो आपने अभी पढ़ा ना बेटा, विटामिन सी जो है वो क्या है? दांत और मसूड़े उनको स्वस्थ रखता है। तो यहाँ पे आप फिल करेंगे बेटा, विटामिन सी हमारे दांत, ठीक है, और मसूड़े उनको स्वस्थ रखता है। मसूड़े उनको स्वस्थ बनाए रखता है। आप यहाँ से भी बेटा यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी हमने किया है ना ऊपर, ये दांत और मसूड़े, ये आपको वहाँ पे फिल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है? अभी देखा बेटे हमने, समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है? आयोडीन। तीसरे का उत्तर रहेगा, समुद्री भोजन में आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन लिख दीजिए इसका आंसर। अब देखिए, गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी जो है वो कैसे बढ़ती है? तो यहाँ से उत्तर लिखेंगे बेटा, गाजर में क्या होता है? विटामिन ए पाया जाता है, जो हमारी आंखों के लिए बहुत लाभदायक है। तो गाजर में क्या होता है? विटामिन ए पाया जाता है, जो हमारी आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो ये आप उत्तर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? तो अभी ऊपर आप यहाँ से लिखेंगे, ये लिखेंगे कार्य, कैल्शियम की आवश्यकता क्यों है ये लिखेंगे इसका उत्तर। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए रक्त के थक्के को जमने में मदद करना, इसके लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ये आंसर हो जाएगा बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों से कौन से विटामिन प्राप्त कर रहे हैं? देखिए, मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो पहले देख लेते हैं, मछली, मांस और अमरूद। तो ये देखिए, मछली और मांस से तो मिलेगा विटामिन बी। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दीजिए, मांस लिख के ऐसे ऐसे कॉपी में ऐसे आंसर लिखिए, मांस, मछली, इसके फिर उसके सामने लिखिए विटामिन बी। क्या लिखेंगे बच्चे? विटामिन बी, ऐसे आंसर लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट करेंगे हम अमरूद। अब ये देखिए, ये है ना अमरूद, और उससे कौन सा विटामिन मिल रहा है? सी। फिर लिख दीजिए कॉपी में ऐसे अमरूद, और इसके सामने लिखिए विटामिन सी। तो ये उत्तर हो गया। ठीक है बेटा, तो देखिए आपके सारे क्वेश्चन हो गए ना आप, ठीक है, 6 क्वेश्चन है, आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो ये थी बेटे आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट बेटा क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।